पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों, मैं परीक्षित पांडे एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। साथियों, आज आप लोगों के लिए क्लास टेंथ की मैथमेटिक्स प्रश्नावली 6.1 लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें कि पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 6 का थ्रस्ट प्रमेय मैंने आपको बता दिया था, लेकिन मैंने वहां पर आपको नहीं बताया था समरूप। तो थोड़ा सा समरूप के बारे में चर्चा करते हुए आपको प्रश्नावली 6.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिलअप करने के लिए दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरना है। ब्रैकेट्स में कुछ वैल्यूज दिए गए हैं, कुछ वर्ड दिए गए हैं, उन्हीं को भरना है। तो चलिए सबसे पहले चर्चा कर देते हैं कि समरूप क्या होता है। ध्यान रखना, सबसे पहले समरूप क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बताते हैं कि समरूप क्या होता है। समरूप सम और क्या रूप, ध्यान रखना, सम मीन्स होता है समान, मतलब बराबर, क्या हो गया बराबर। रूप, रूप मतलब आकार, आकृति, आकृति, ठीक है। रूप का अर्थ है यहां से किससे, आकृति से, अर्थात बराबर आकृति वाला, अर्थात ऐसे दो आकृतियां जिनकी गुण धर्म आपस में समान हो उन्हें क्या कहेंगे, समरूप। बच्चों, समरूप और सर्वांगसम में क्या अंतर होता है? सर्वांगसम आपने पढ़ा है, सर्वांगसम सर्व अंग समान, मतलब जिसके सभी अंग आपस में बराबर हों, ऐसी दो आकृतियां जिनके दोनों अंग आपस में, अर्थात सॉरी, ऐसी दो आकृतियां जिनके सभी अंग आपस में क्या हों, समान हों, उन्हें क्या कहते हैं आप, सर्व अंग समान, अर्थात जिनके सभी अंग समान हों उसे कहते हैं आप सर्वांगसम। लेकिन समरूप क्या होता है, जिनकी आकृतियां समरूप हों, बराबर तो नहीं कही जा सकती लेकिन समरूप हों। जैसे बच्चों, दो जुड़वा भाई हों और दोनों के चेहरे मिलते हों, एक लॉन्ग हो और एक शॉर्ट हो, मतलब एक बड़ा हो और एक छोटा हो लंबाई में, तो वे दोनों समरूप कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वे दोनों क्या हैं, सर्वांगसम है, ठीक है। तो समरूप क्या होता है, समरूप, तो समरूप जो होता है सिमिलर है, ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं सिमिलर, समरूप। तो जैसे दो आकृतियां अगर आपस में समान हो तो उनके कुछ गुणधर्म आपस में मिलने चाहिए। और आपने सर्वांगसम में क्या पढ़ा था, पांडे क्लासेस सर्वांगसम करने के लिए, जैसे कि अगर हमारे चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें, इनकी सभी भुजाएं अगर इन सभी भुजाओं के बराबर होती थी तभी सर्वांगसम होता था। लेकिन समरूप में क्या होता है कि अगर एक बहुत बड़ा, एक छोटा, मतलब एक बहुत छोटा ट्राइंगल है और एक बहुत बड़ा आपके पास में ट्राइंगल है, तो ये दोनों समरूप कहे जा सकते हैं। क्या है, समरूप, आकृति तो दिख एक जैसी रही है ना, भुजाएं भले भी आपस में समान न हो, तो ये क्या कहलाएंगे, ये हो गया आपकी समरूप। तो सबसे पहले फिल इन द जो दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, इनको हम बताते हैं। कह रखा है सभी वृत्त होते हैं, बच्चों ध्यान रखना, जैसे अगर आपके पास में एक वृत्त है, एक छोटा है और एक बहुत बड़ा है, तो सभी वृत्त सर्वांगसम नहीं हो सकते लेकिन सभी वृत्त समरूप जरूर होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसमें आप भरेंगे पहले वाले में समरूप, तो समरूप का तात्पर्य यहां समझ गए होंगे आप लोग, आशा करता हूं। उसके बाद आता है कि सभी वर्ग, बच्चों जैसे अगर आपके पास में एक छोटा वर्ग है, बहुत छोटा सा वर्ग है, और एक आपके पास में बहुत बड़ा वर्ग है, तो पूछ लिया कि क्या ये दोनों आपस में समरूप हैं, तो भाई कहना पड़ेगा कि हाँ आपस में समरूप हैं। क्यों हैं, कारण बताना पड़ेगा। कारण क्या होगा, क्योंकि ऐसी दो आकृतियां जो आपस में दिखने में एक जैसी हों, निश्चित यह नहीं कि उनके सभी गुण धर्म आपस में समान हों, लेकिन आकृतियां दिखने में एक जैसी हों तो वे आकृतियां समरूप आकृतियां कहलाती हैं। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। तो सभी वर्ग जो है एक दूसरे आकृति, अर्थात वर्ग वाली आकृति के क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो बच्चा यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, समरूप, ठीक है। तो सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। उसके बाद में कर रखा है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। किस प्रकार के ऐसे त्रिभुज हैं जो कह रखा है कि समरूप होते हैं,
क्या वो समद्विबाहु है या वो समबाहु है? तो बच्चों समबाहु त्रिभुज, कौन से समबाहु त्रिभुज जो होते हैं ये आपस में समरूप होते हैं, हमेशा सदैव क्या होंगे समरूप। तो ऐसा कहा जा सकता है कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, आपस में समरूप होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा समबाहु, क्या हो जाएगा समबाहु। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, लास्ट है इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट, कह रखा है भुजाओं की समान संख्या वाले, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की अगर संख्या समान हो तो अगर वो बहुभुज हैं तो आपस में समरूप होते हैं, ऐसा कह रखा है। लेकिन उनके कुछ कंडीशंस आपको दे रखा है बच्चा, क्या कंडीशंस है, कह रखा है उनके संगत कोण क्या हो, उनके संगत कोण कैसे होते हैं। तो ध्यान रखना, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में दिया है उसी तरह भरना भी है। यदि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहां क्या भरा जाएगा, बराबर। ठीक है, क्या होते हैं, बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजाएं एक दूसरे के समानुपाती होती हैं। समानुपाती मतलब समझते हैं, समानुपाती का गणित में क्या तात्पर्य है, समानुपाती इक्वल्स। ठीक है ना, तो समानुपाती तो इसका हो जाएगा कि उनकी संगत भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। ठीक है साथियों, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका हल होता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड आप स्वतः कर लेंगे क्योंकि समरूप समझ चुके हैं। ठीक है, उसमें दिया है कि कौन सी आकृतियां समरूप हैं, कौन सी आकृतियां समरूप नहीं है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और थर्ड में। नेक्स्ट डे पर मैं आप लोगों के लिए प्रश्नावली 6.2 लेकर के मिलूंगा, जिसमें आपको जरूरत पड़ेगी थेल्स प्रमेय की, इसलिए थेल्स प्रमेय को अच्छे से दोहरा लीजिएगा और कॉपी मेंटेन रखिए, कॉपी पूर्तियां बना करके रखिए क्योंकि सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर आपके एग्जाम होने हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।